हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। दोस्तों, उज्जैन में गैरेज संचालक युवक को उसके घर के बाहर से चार बदमाश चाकू की नोक पर ऑटो में अपहरण कर ले गए थे। युवक के साथ मारपीट कर 5 लाख रुपए की मांग की थी। बाद में युवक को रात के 2 बजे छोड़ा। इसके बाद युवक ने परिवारजनों को साथ लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल नीलगंगा थाना पुलिस ने बताया कि 39 वर्षीय अमीर अली निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी घर पर ही गैरेज संचालित करता है। 11 नवंबर को रात करीब 10 बजे अमीर अपने घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान ऑटो से उसका दूर का रिश्तेदार इरफान लाला आया और उससे बात करने के लिए ऑटो में बैठा लिया। इस दौरान आरोपी ने अमीर के गले में चाकू अड़ा दिया। ऑटो में 3 बदमाश पहले से बैठे हुए थे। चारों आरोपी अमीर को जिला अस्पताल के पीछे पीएम रूम के पास ले जाकर चाकू की मुट्ठ से सिर में मारा। इसके बाद उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। मारपीट करते हुए बदमाशों ने 5 लाख रुपए की मांग की। यहां से आरोपी उसे ऑटो में ही आगर रोड आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की ओर ले गए थे। आरोपियों ने उसे रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। अमीर ने आरोपियों से घर जाकर रुपए लाने की बात कही। इस पर उसे रात करीब 2 बजे कोयला फाटक पर उतार कर यह बात पुलिस को नहीं बताने की धमकी देकर चले गए। अमीर ने घर पहुंचकर परिवार के लोगों को पूरी घटना बताई। इसके बाद नीलगंगा थाना पहुंचकर चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।